हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको और भी अच्छा करने के लिए लारी फूड आपके लिए लेकर आई है न्यू रेसिपी। बिकॉज खाना बनाना हुआ और भी इजी क्योंकि आपके पास है लारी फूड हब की रेसिपी। और हाँ गाइज, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ गाइज, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज गाइज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन उल्फत की रेसिपी। आपने बहुत सारे चिकन ट्राई कर लिए, तो चलिए अब इसको भी ट्राई करते हैं, चिकन उल्फत। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच तेल। जब ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और उसको क्रैकल होने देंगे। जब ज़ीरा हमारा क्रैकल हो जाएगा तब हम उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे और 4 से 5 इंच अदरक का हम इसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। नेक्स्ट गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को गाइस हम रफ ही चॉप करेंगे, किसी को भी हम फाइन चॉप नहीं करेंगे। नेक्स्ट गाइस, हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें ज़ीरा और काली मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इन सबको हम हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें 100 ml वाटर ऐड करेंगे। अच्छे से स्टर करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। यहाँ हम 500 ग्राम चिकन ऐड कर रहे हैं। यहाँ गाइस मैंने चिकन वॉश करके रखा था, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। जब गाइस हम चिकन ऐड करेंगे तो हम फ्लेम मीडियम रख देंगे और चिकन में मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट गाइस, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ मैं काजू, बादाम और अखरोट ऐड की हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे गरीब भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम ढक कर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से गल ना जाए। चिकन को गाइस हम सिर्फ 85% ही कुक करेंगे, उसको हम निकाल लेंगे। जब हमारा चिकन 85% कुक हो जाए तो हम सारे चिकन को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारे चिकन को गाइस हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ गाइस, मेरे चैनल पे चिकन की बहुत सारी रेसिपी है, उसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार की है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको वहाँ पे बहुत सारे चिकन की रेसिपी मिलेगी। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ मैंने सारे चिकन को अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको भी हम एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसी कढ़ाई में गाइस हम 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और उसमें 1 बे लीफ, इलायची, लौंग और 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे और जो फाइन पेस्ट हमने तैयार किया है उसको हम ऐड कर देंगे। जो मसालों का हमने पेस्ट तैयार किया था उस मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 10 मिनट तक कुक करेंगे। 10 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। जो हम चिकन को अलग ट्रांसफ़र किए थे उस चिकन को हम इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। ढक कर हम इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। 7 से 8 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं गाइस, इसमें ऑयल रिलीज़ हो गया है, बट अभी अच्छे से ऑयल रिलीज़ नहीं हुआ, इसलिए हम इसे अभी 7 से 8 मिनट तक और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ गाइस मैंने फ्रेश क्रीम ऐड किया है। क्रीम ऐड करने के बाद 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया हो। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे चिकन उल्फत अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे ऑयल हमारा रिलीज़ हो गया है और हमारा चिकन उल्फत बिल्कुल तैयार हो गया है। आई होप गाइस आपको ये हमारी चिकन उल्फत की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मेरे चैनल पे बहुत सारी चिकन की रेसिपी है, तो गाइज़ आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और गाइज समर चल रहा है, तो समर सीज़न में मैंने बहुत सारी समर ड्रिंक की रेसिपी अपलोड की है, तो आप देखना मत भूलिएगा।